पालीवाल कॉलोनी में ग्राम खनाखेड़ी में एक किसान की मसूर से भरी ट्राली रिवर्स लेते समय सड़क किनारे स्थित खुले पड़े नाले में पलट गई, जिससे किसान को लगभग 1.5 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। पूरी उपज नाले में बह गई। तत्काल शेष बची हुई उपज को किसान ने नाले में उतर कर निकालता रहा। उल्लेखनीय है कि नीलामी प्रांगण सहित टोल प्रांगण तक की सभी सड़कें क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं। कई बार किसानों की अनाज से भरी ट्रालियां पलट चुकी हैं, मगर मंडी प्रशासन का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। इसी तरह नीलामी प्रांगण तक जाने के लिए मंडी गेट पर वर्षों से खुला नाला पड़ा हुआ है। कई बार व्यापारी सहित किसान नाले के आसपास डिवाइडर बनवाने की मांग कर चुके हैं, लेकिन इस ओर भी जिम्मेदारों का कोई ध्यान नहीं है। मंडी में आवक बढ़ने से यहां पर भी हमेशा ट्रैक्टर ट्रालियों का नाले में गिरने का भय बना रहता है। सिरोन से नरेंद्र रघुवंशी की रिपोर्ट। कहां से आए आप? खाना गए। आप ट्राली में क्या लेके आ रहे थे? कहाँ से? मंडी में से। मंडी में तुलाई करवाने के लिए आए थे? तो ये नाली में ट्राली कैसे गिर गई? ये पीछे हटा हुई गिर गई। प्रशासन ने ऐसी जगह दी है आपको तुलाई करने के लिए जहाँ नाली में कुछ भी नहीं लगा, ऐसे में आपका नुकसान कितना हुआ है? लगभग यानी 1.5 लाख रुपए का। 1.5 लाख रुपए का नुकसान हो गया जहाँ पर बिल्कुल कुछ भी नहीं है, नाली का बिल्कुल खाली पड़ी है। सरकार का, नगर पालिका की, सभी नगर पालिका की गलती है और मंडी वाले ने भी ना ऐसे कांटे बंद करवाने चाहिए। ऐसी जगह पे तुलाई करवा रहे हैं, ये कांटे बंद करवाने चाहिए इन्हें भी। आपका मतलब 1.5 से 2.5 लाख का नुकसान हुआ। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।